गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो हमारा प्रोडक्ट है जिसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल टर्न टेबल। इस डिवाइस की इस गैजेट के बारे में आपको बताऊंगी, ये किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज। ये जो हमारा डिवाइस देख सकते हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर यूजफुल है जो आप देख सकते हैं यूट्यूबर हो गए या फिर कोई वैसे फोटोग्राफर हो गए जो वीडियो शूट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आप देख सकते होंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी आपने वीडियो देखा होगा कि जो वीडियो का जो स्टार्टिंग क्लिप होता है थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो होता है, उसको अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, स्लो मोशन में दिखाया जाता है, रोटेट करके दिखाया जाता है। तो वो जो रोटेट वाला जो सिस्टम होता है ना वो इसी डिवाइस के थ्रू आता है। इस पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इसे आपको रन करा देना होता है और इस पर आप जो भी आपका प्रोडक्ट है जो भी आप दिखाने वाले हो इस पे आपको रख देना होता है और बस एक छोटा सा बटन प्रेस कर देना होता है जिससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देखें कैसे इसे हम यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या हमें मिला हुआ है। इसमें आपको USB केबल मिला हुआ है जो कि हमारे यहाँ पे बी टाइप है, आप किसी भी मोबाइल के अडेप्टर में इसे लगा के प्लग इन कर सकते हैं। और जो हमारा मेन है यूनिट वो आप इस तरीके का देख सकते हैं। ये हमारा ब्लैक कलर में है, इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है। तो मैंने वाइट का भी पहले रिव्यू कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इजिली उसे भी देख सकते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है गाइस फुल्ली ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ये पूरा आपको फाइबर बॉडी दे रखा है, पीछे में आपको बैटरी वाला भी सिस्टम दे रखा है। अगर आप मान लीजिए इससे चलाते हैं तो ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बैटरी भी इसमें लगा के इसे रन करा सकते हैं। क्या जिसके अंदर आपको बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, डबल ए साइज की बैटरी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास डबल ए साइज बैटरी नहीं है तो यहाँ पे आपको उसके बगल में 18 से 650 जो हमारी बैटरी आती है अगर वो आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास बैटरी नहीं है तो USB का ऑप्शन दिया हुआ है, आप तीन तरीके से इसे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पीछे में हमारा बैटरी का भी मिल जाता है। बाकी ये जो बटन है इसका हम बटन के बारे में भी बात करेंगे, इसको कैसे हमें यूज़ करना होगा, कैसे ये काम करता है और भी इसका जो हमारा फीचर है जान लेते हैं। ये जो हमारा है गाइस इसका जो अगर हम वेट की बात करें ये कितने इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने जो हैवी प्रोडक्ट है वो इसे बैलेंस कर लेता है। तो मैक्सिमम आपको 5 kg तक जो भी आपका डिवाइस है या फिर जो भी प्रोडक्ट है इस पर आप आसानी से रख सकते हैं, 5 kg तक ये आसानी से लोड ले लेगा। अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो मे बी ये इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, तो 5 kg तक ये आसानी से लोड ले सकता है। बाकी इसकी अगर हम ये बात करें इसके बेस की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेलवेट कलर, वेलवेट जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो इस यहाँ पे यूज़ किया गया है। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ग्रिप नहीं दिया होता है, ग्रिप ना होने की वजह से वो स्लिप कर जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे वेलवेट का सीट यूज़ किया गया है। और बाकी इसमें और कुछ वैसा सिंपली एक सिंपल सा आपको ये गैजेट मिल जाएगा जो कि आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसका जो भी बटन का जो हमारा फंक्शन है, कैसे हमें यूज़ करना होगा, कौन कौन से मोड इसमें दिए गए हैं। तो इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इंडिकेटर जब या छोटा सा आप LED देख सकते हैं, उसके नीचे साइड में आपको दिया हुआ है USB पावर सॉकेट जो कि हमारा दिया हुआ है, हमारा केबल वो यहाँ पर फिट होगा। बाकी तीन हमारे यहाँ पर बटन दिए हुए हैं जिसका यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट बटन जो हमारा है वो आपको पावर बटन मिल जाता है जिसको हम स्विच कह देते हैं। सेकेंड वाला हमारा मोड बटन दिया हुआ है, इस मोड के थ्रू हमारा जो भी आप अगर रोटेट करना चाहते हैं, ये हमारा जो रोटेशनल है ये जो हमारा बेस दिया हुआ है वो 4 डिग्री तक ये रोटेट कर सकता है। जैसे आप 360 करना चाहते हैं वो हो जा सकता है, 90 होगा, 180 होगा और 45 डिग्री, तो 4 ऐसे डिग्री है जो ये रोटेट कर सकता है। उसके लिए आपको ये बीच वाले बटन का यूज़ करना होगा। हमारा जो लास्ट बटन आप देख रहे हैं वो आपको एडजस्टेबल बटन दे रखा है, इससे आप इसका जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। तो 3 स्पीड है जो कि दिए हुए हैं। आइए कुछ हम इस पर रख के और ये कैसा इसका जो फाइनल लुक आता है, फाइनल जो वीडियो एनिमेशन होता है वो कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं।
सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए इसे क्या क्या इसमें फंक्शन है, कौन कौन से मोड दिए हुए हैं, मैंने एवरीथिंग इसमें डिस्कस किए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई मोड आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई ना मिली तो बॉटम मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं इजिली रिप्लाई दे दूंगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।